नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऐशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएस। नंदिता शुक्ला ने कहा, गन्ने का भुगतान न होने से परेशान है क्षेत्र के किसान। महनवन गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गन्ने का भुगतान न होने की वजह से एक तरफ आक्रोशित किसान बाजार चीनी मिल के विरुद्ध आंदोलित है, तो दूसरी तरफ मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि बजाज चीनी मिल ने क्षेत्र के किसानों का करीब 200 करोड़ रुपया दबा रखा है, जिसको लेकर आक्रोशित किसान एवं स्थानीय लोग चीनी मिल के विरुद्ध लामबंद है। किसानों के गन्ने की फसल का मूल्य न मिलने की वजह से किसानों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के हित के लिए समाजवादी पार्टी से महनवन की विधायक रह चुकी नंदिता शुक्ला ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में किसानों को अपने ही सफल की कीमत पाने के लिए आंदोलित होना पड़ रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। विगत वर्ष से गन्ने का भुगतान न होने की वजह से किसान अपना गन्ना नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके कारण आगामी फसल के लिए खेत समय से खाली नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी तरफ किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मिल प्रशासन के इस कूर्ववृत्ति पर जिला प्रशासन और उदासीनता सरकार आंतरिक रूप से मिल को किसानों का उत्पीड़न करने के लिए समर्थन दे रही है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगा। किसान जो है, चाहे धान का हो, गेहूं का हो, गन्ना का हो, वो बहुत परेशान है। गन्ने की फसल का उसे उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बजाज चीनी मिल जो हमारे जिले में है, कुंद्रुकी और उटई मैदा, वो पिछले वर्ष का भुगतान भी नहीं दे पाई है और किसान अपने खेत को खाली भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से गन्ने की फसल को बेचकर वो अपना गेहूं की फसल के लिए कुछ कार्य कर सकें। और जो नकदी फसल है वो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए गन्ने की फसल है। अगर उनको इसी का भुगतान नहीं मिलेगा, अगर हमारा किसान दर दर ठोकर खाकर अपने गन्ने की फसल को जलाने पे मजबूर हो जाएगा, तो ये बहुत ही विषम स्थिति है। और धान जिन किसानों ने पैदा किया है, वो लेवी पर जो सरकारी निर्धारण किया गया है, उसका पैसा कि कितने में लिया जाएगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ किसान परेशान है कि वो धान नहीं बेच पा रहा है और दूसरी तरफ गन्ना नहीं बेच पा रहा है। किसान की हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है।